मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वान में कोंडो में 5 अफराद का कातिल, 73 साल शख्स निकला। यॉर्क रीजन पुलिस चीफ का कहना था कि मुल्ज़िम ने नीम खुदकार हैंडगन का इस्तेमाल किया। कॉल के 3 मिनट और 21 सेकंड के अंदर अफसरान जाए वकवा पर पहुंच गए। क्रिसमस के वीकेंड से कबल एक बड़ा मौसमी तूफान टोरंटो से टकराएगा। एनवायरनमेंट कैनेडा का कहना है कि शहरियों को अपने मंसूबों को तब्दील करना होगा। तूफान, बारिश, बर्फबारी, हवाओं के सबब शहरी बर्फीले मौसम का सामना कर सकते हैं। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में COP15 कॉन्फ्रेंस, शुरुआत 2030 तक माहौलियात को बचाने के लिए पुरअज़म। कनाडा के वज़ीरे माहौलियात का कहना है कि माहौल को बचाने के लिए हमने एक बेहतरीन मुआहदा किया है। कांग्रेस की ट्रंप के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई की हिदायत। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई की सिफारिश। ट्रंप के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल। जापान में साहिली इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जापान के साहिली इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी, हाईवेज पर गाड़ियां कई घंटे फंसी रहीं और बुलेट ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो में 5 अफराद की हलाकत से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यॉर्क रीजन के पुलिस चीफ का कहना था कि हमें वाकई दुख और अफसोस है कि हमारे इलाके में ऐसा वाकया पेश आया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सुपर ओंटारियो के पुलिस वॉचडॉग ने बताया है कि एक 73 साल शख्स जिसने टोरंटो के शुमाल में वॉन के एक आला दर्जे की कोंडो टावर पर 5 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया था, उसने नीम खुदकार हैंडगन का इस्तेमाल किया और मुतासरीन इमारत के मुख्तलिफ मंजिलों पर पाए गए। यॉर्क रीजनल पुलिस हेडक्वार्टर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ जिम मैक्सवेन ने शूटर की शनाख्त फ्रांसिस्को विली के तौर पर की। मैक्सवेन ने कहा कि विली को 3rd मंजिल पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। दरियासना मैक्सवेन ने कहा कि पुलिस अभी तक फायरिंग के मुतासरीन की शनाख्त नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि 3 मर्द और 2 खवातीन तमाम रिहायशी इमारत के कोंडो में हलाक हुए और उनमें से 3 अफराद 5 अफराद वाले कोंडो बोर्ड के मेंबर थे। एक 66 साल खातून को भी गोली लगी थी और वो पीर को अस्पताल में जेर इलाज रहीं। अफसरान को इब्तदाई तौर पर शाम 7:20 पर इमारत में बुलाया गया। चीफ ने कहा कि इब्तदाई कॉल के 3 मिनट और 21 सेकंड के अंदर अफसरान जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस चीफ ने कहा कि वो एक खौफनाक मंजर की तलाश करने पर पहुंचे थे जिसमें 5 मुतासरीन को 3 अलग अलग यूनिटों में गोली मारी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि जासूस इस खौफनाक वाक्य में जवाबात तलाश करने के लिए तनदही से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें वाकई सदमा और अफसोस है कि हमारे इलाके में ऐसा वाक्य पेश आया। हम अपने प्यारों और इस दिल दिला देने वाले वाक्य से मुतासिर होने वाले किसी और की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। एनवायरनमेंट कनाडा ने खबरदार किया है कि क्रिसमस के वीकेंड से कबल एक बड़ा मौसमी तूफान टोरंटो से टकराएगा। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। एनवायरनमेंट कनाडा ने खबरदार किया है कि क्रिसमस के वीकेंड से कबल एक बड़ा मौसमी तूफान टोरंटो से टकराएगा। तूफानी बारिश, बर्फबारी, हवाओं के सबब शहरी बर्फीले मौसम का सामना कर सकते हैं।
वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने खसूसी मौसमी बयान में कहा कि तातीलात के अख्तितामे हफ्ता के जरिए मनसूबों को तब्दील करने पर गौर करें क्योंकि सफर के हालात खतरनाक हो सकते हैं। टोरंटो में जुमेरात के आखिर में बारिश या बर्फबारी हो सकती है और यह बारिश जुमे के अवाइल में कई इलाकों में बर्फबारी में बदल सकती है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जुमे को दर्जा हरारत गिरने की पेशगोई की गई है जिसका मतलब मुमकिन मुंजमिन मौसम हो सकता है। तवक्को की जाती है कि तेज मुमकिन तौर पर नुकसानदेह हवाओं और दर्जा हरारत में तेजी से गिरावट के साथ साथ बर्फबारी भी होगी जो बाज़ औक़ात शदीद हो सकती है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने मजीद कहा कि अगर उन्हें यकीन है कि तूफान का असर पड़ेगा लेकिन इसमें हवा की रफ्तार या बारिश और बर्फबारी की मकदार के बारे में अभी तक तफसीलात नहीं है। रिहायशों से अपील की जाती है कि वह मकामी पेशन गोइयों पर नजर रखें। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में मुजाकरात कारों ने 2030 तक माहौल की तबाही को रोकने और इसको रिवर्स करने के लिए एक मुहायदे को हतमी शक्ल दे दी है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में मुजाकरात कारों ने 2030 तक माहौल की तबाही को रोकने और इसको रिवर्स करने के लिए एक माहिदों को हतमी शिकल दी है क्योंकि COP15 अक्वामे मुत्तहदा की हयातियाती तनाव कॉन्फ्रेंस के मुजाकरात अपने आखिरी सरकारी दिन में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐलान में कहा गया है कि हयातियाती तनाव की सरबराही इजलास में जमा होने वाले ममालिक ने 4 मकासिद और 23 अहदाफ पर इत्तेफाक किया। अहदाफ में 2030 तक दुनिया की 30% जमीन पानी और समुन्द्री इलाकों की हिफाजत के साथ साथ 2030 तक कम अज़ कम $200 बिलियन अमरीकी डॉलर का सालाना फंड घरेलू और बैन अल-अक़वामी हयातियाती तनाव से मुतल्लिक़ तमाम ज़राए से अवामी और दोनों जराए से मुतहर्रिक होना शामिल है। 2030 तक माहौल के लिए नुकसानदेह समझी जाने वाली सब्सिडीज को कम से कम $500 बिलियन तक कम करने का वादा भी किया गया है जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक ने तरक्की पजीर ममालिक को 2025 तक कम से कम $20 बिलियन सालाना और 2030 तक हर साल $30 बिलियन फराहम करने का अहद किया है। कनाडा के माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर स्टीवन गिल्बो ने कहा है कि हम में से बहुत से लोग मतन में मजीद चीजें और ज्यादा ख्वाहिशात चाहते थे लेकिन हमें एक बेहतरीन पैकेज मिला है। उनका कहना था कि हमारे पास हयातियाती तनों के नुकसान को रोकने और इसको ख़त्म करने, बहाली पर काम करने, कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को कम करने का मुआहदा है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। चीन और कनाडा के सरकारी मेजबान शहरों के बाद नए मुआहदे का उनवान कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। चीन के वजीर माहौलियात हुआंग रोंगक्यू ने कहा कि हमारे हाथ में एक पैकेज है जो मेरे ख्याल में हमारी रहनुमाई कर सकता है क्योंकि हम सब मिलकर हयातियाती तनों के नुकसान को रोकने और इसको ख़त्म करने और हयातियाती तनों को दुनिया के तमाम लोगों के फायदे के लिए बहाली के रास्ते पर डालने के लिए काम करते हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की कमेटी ने अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरमाना इल्जामात की मुत्तफिका तौर पर सिफारिश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के वक्त लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जाम शामिल हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की रिपब्लिकन रुकन लिज चेनी ने कहा है कि सबसे शर्मनाक अमल यह था कि जब कैपिटल हिल पर हमला किया जा रहा था और सदर ट्रंप ऑफिस के डाइनिंग रूम में बैठे टीवी पर बगावत के मनाजिर देख रहे थे। जापानी समंदर के साहिली इलाकों में सर्द मौसम की लहर के बायस शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापानी समंदर के साहिली इलाकों में सर्द मौसम की लहर के बायस शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जापान के निगाता प्रीफेक्चर और फुकुशिमा प्रीफेक्चर में रिकॉर्ड बर्फ पड़ी और मुतादिद हाईवेज पर गाड़ियां कई घंटे फंसी रहीं और बुलेट ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई। निगाता में बर्फबारी के बायस 20,000 से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। जापानी महकमे मौसमियात ने और होकुरुकु रीजन में आज भी बर्फबारी जारी रहने की तवक्को जाहिर की है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को ट्रैफिक और दीगर मसाइल के लिए अलर्ट रहने की भी हिदायत की है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।